प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नई संसद भवन का शिलान्यास करने जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार क्यों जरूरत आन पड़ी नई इमारत बनाने की, जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात तक और आपके साथ मैं हूं सौम्या। 10 दिसंबर को नई दिल्ली में नई संसद भवन की नींव रखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर क्यों इतने बड़े स्तर पर निर्माण की जरूरत पड़ रही है। दरअसल साल 2026 में देश लोकसभा के आकार पर कई फैसले ले सकता है। आपको बता दें कि आबादी का पूरा प्रतिनिधित्व करने के लिए सांसदों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। इस बारे में राजनीतिक विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि साल 2026 में देश की जितनी आबादी होगी उसे रिप्रेजेंट करने के लिए 848 सदस्यों की जरूरत हो सकती है। साल 2019 में ही भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इनकी मौजूदा संख्या को 545 से बढ़ाकर लगभग दोगुना करने की बात कही थी। इस पर अगले 5 सालों बाद कोई बात होगी। हालांकि इस संभावना को ध्यान में रखते हुए ही नई संसद इमारत का फैसला लिया गया है। अब आपको बताते हैं कि वर्तमान संसद भवन की खासियत क्या है, क्योंकि नई खासियत तो हमने गुजरात तक के पहले रिपोर्ट में भी बता दी थी। मौजूदा संसद भवन के बारे में माना जाता है कि ये 64 योगिनी मंदिर के स्वरूप से प्रेरित है। अंग्रेजी दौर में बने इस भवन का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनाट ने किया था, जबकि इसकी शुरुआत तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को की थी। इसका डिजाइन ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटियन और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। इसके आर्किटेक्ट भले ही विदेशी थे, लेकिन निर्माण भारत की ही सामग्री से हुआ। बनाने वाले श्रमिक भारतीय ही थे। इसे तब से ही कुछ शानदार इमारतों में से एक माना जाता है। हालांकि वक्त के साथ इसमें जगह की कमी जैसी शिकायतें आने लगी। यदि आपको हमारा ये स्पेशल रिपोर्ट पसंद आया है तो अपने अभिप्राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गुजरात की बाकी सारी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए गुजरात तक। नमस्कार।